रहमानिरहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे तितर की कढ़ाई। छह अदद हमारे पास है। ये मैं स्कूल में पानी डाल रही हूँ बॉयल करने के लिए। ये बादियाँ डाल रही हूँ दो दो। ये तितर का गोश्त है, ये इसके अंदर डालूंगी। दो मिनट इसको वेट लगाऊंगी। एक चम्मच इसके अंदर नमक ही डालूंगी, वेट लगा दूंगी दो मिनट का। ये मैंने चॉप कर लिया। चार टमाटर हैं इसके अंदर, एक पाव दही है, चीन प्याज है इसके अंदर, अदरक है, लहसुन है, चार ही चीज़ें इसको, इसका पेस्ट बना लिया। अब ये गोश्त निकालूंगी इसका, इसको वेट लगाऊंगी मसाले का। दो मिनट हो गए हैं, आप उसको बंद करने लगी हूँ। इसको खोलने लगी हूँ, ये देखो छानने में निकाल लूंगी। इसको अब हमने फ्राई करना है। ये भी ऐसे बनता है जैसे चिकन बनता है, जैसे आपको पहले उबाल करना पड़ता है, जब उबाल आ जाए उधर फिर इसको फ्राई करना पड़ता है। ये सर्दियों में वैसे बहुत लजीज होती है, दूसरा ये सर्दी कम करता है, नज़ला जुकाम होता भी ये बहुत मुफीद है, इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बताया था ना सारी चीज़ों का पेस्ट बना रहे हैं, जब कुकर में डालूंगी इसको। मैं सुरख मिर्ची डालूंगी, ये हल्दी पाउडर है, ये सूखा धनिया पीसा हुआ, थोड़ा सा नमक डालूंगी। पहले नमक डाल दिया था यखनी में, पांच मिनट वेट लगाऊंगी। ये पांच मिनट में तैयार हो जाएगा मसाला। अब इधर मैं इस तरह भून लूंगी। जब ये भून जाएगा फिर इसके अंदर यखनी डाल दूंगी, यखनी डाल दूंगी इसके अंदर, और जो पानी डालना है थोड़ा सा वो भी डाल दूंगी। अब इसके अंदर यखनी डाल रही है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, कमी बेची है वो पूरी हो जाएगी, मसाला भी सही हो जाएगा। दस मिनट इसको रखेंगे ऐसे, ये फिर तैयार हो जाएगा। तैयार हो गया। एक चम्मच डाल गरम मसाला पिसा हुआ,
मिर्च है, दूसरी शिमला मिर्च है। ये सब बस धनिया काट दिया, मैंने धो लिया था। माशाल्लाह कितना अच्छा तैयार हो गया है, इससे बहुत मज़े का टेस्ट होता है तितर का। आप भी बनाना है इसको, ट्राई करना है इसको, बहुत मज़े की कढ़ाई तैयार हो गई है, तितर कढ़ाई आंदा है। आप लाइक भी करना और शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन भी दबाना, हमारी यार आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।